आदेश माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का जो मंत्र है उसको मंत्र नहीं महामंत्र बोलते हैं, चंडी। जब हम चंडी की कल्पना करते हैं भगवती की, तो कोई भी एक हमारे मानस पटल पर एक तस्वीर उभर के नहीं आती है, क्योंकि कालांतर में चंडी के स्वरूप को विलुप्त कर दिया गया। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चंडी भगवती का मूल स्वरूप है। हम जब चंडी की पूजा करते हैं तो युद्ध चंडी यानी दुर्गा भगवती की पूजा करते हैं, महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं, या प्रचंड चंडिका छिन्मस्तिका की पूजा करते हैं। लेकिन मूल भगवती जो है वो चंडी है। और इस नवरात्र जो एक महीने में आने वाला है, आप भगवती चंडी की एक साधना कर सकते हैं, जिसका बहुत लंबा प्रभाव है। ये किसी एक गुरु परिवार से हमें मिला था, गुप्त है और बहुत लाभकारी है। वो विशेष गुरु परिवार इस साधना को भगवती के प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रयोग करता था। उसके अलावा सुरक्षा भी भगवती देती है, सुरक्षा आपके जान माल की, सुरक्षा आपके धन की, सुरक्षा आपके परिवार की। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए। क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, 9 रात्रि में आपको रोज 9 कलश चाहिए होंगे, ठीक है। रोज आपको एक ही कलश को 9 दिन तक प्रयोग करना है, ठीक है। तो 9 कलश आपको चाहिए। एक बार जब स्थापित हो गया तो वो 9 दिन तक नहीं हटेगा। 8 दीपक चाहिए घी वाले, ठीक है, जिसमें घी से आप जिसकी जोत जलाएं। 7 नारियल आपको चाहिए, हर नारियल पर शालुक या कोई भी लाल कपड़ा लपेटा हुआ हो। 6 फल चाहिए, ये फल रोज बदले जाएंगे, ठीक है। जो 6 फल हैं इसमें एक फल ऐसा हो जो कि पूरे 9 दिन तक रहे, ठीक है। 5 मिष्ठान ये भी रोज बदले जाएंगे। 4 फूल ये भी रोज बदले जाएंगे। 3 पान का पत्ता ये भी रोज बदला जाएगा। 2 सुपाड़ी ये भी रोज बदला जाएगा। और 1 चांदी का सिक्का जो कि प्रथम दिन से अंतिम दिन तक रहेगा। तो समझ लीजिए क्रम क्या है। 9 कलश जो है वो रोज नहीं बदला जाएगा, वो 9 दिन तक रहेगा। जो दीपक है वो आप रोज बदल सकते हैं अगर मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप मेटल का दीपक प्रयोग कर रहे हैं 8, तो फिर आपको उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। नारियल 7 जो है वो 9 दिन तक रहेगा। इसके अलावा फल, मिठाई, फूल, पान का पत्ता, सुपाड़ी ये बदलेंगे रोज। जो चांदी का सिक्का है वो 9 दिन तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक लंबा आपको 2.5 फीट x 2.5 फीट का एक कपड़ा बिछाना है, बिल्कुल स्क्वायर में, ठीक है। और उसमें थोड़ा चावल ले लेना है एक मुट्ठी भर, और एक कोने पे, मतलब आपका जो दिशा है वो ईस्ट फेसिंग होगा, तो ईस्ट की तरफ जो कपड़े का छोर है वहाँ पर आप 9 जगह पर चावल को गिराएंगे, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप 9 कलश को रखेंगे, ठीक है। कलश को रखने के बाद कलश में 5-5 टीका करेंगे रोली से। हर कलश में आम का 5 पत्ता वाला जो डाली होता है वो सब में डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा पूजा दुकान में एक पुड़िया मिलती है जिसको नवरत्न बोलते हैं, वो डालेंगे। और साथ में एक और पुड़िया मिलती है, उसको बोलते हैं सर्व औषधि। तो ये 2 पुड़िया जो है इसमें आपको साथ में मिलाना है और 9 कलश आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
ये जो 9 कलश के बीच का जो जगह है, जो 8 जगह बचेगा, उस 8 जगह में कलश की तरफ जलता हुआ 8 दीपक आपको जलाना है, ठीक है? जो दीपक जलेगा उसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा चावल रखेंगे, चावल जितना सामग्री रखते जाएंगे वो वहाँ वहाँ हम चावल डालते जाएंगे। अब इन 8 दीपक के बीच में जो 7 जगह बचा, उस वहाँ पर हम 7 नारियल रखेंगे सटा सटा करके, ठीक है? हर नारियल को लाल कपड़े से लपेटना है, ठीक? उसके बाद नारियल के बीच का जो जगह है वो 6 फल रखेंगे, उसके बीच के जगह में जो है हम 5 मिठाई रखेंगे, उसके बीच के जगह में फिर हम 4, जब मैं बीच बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि वो उसके सामने रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही रख देंगे, ठीक है? जो गैप बच रहा है उसके सामने एक एक सामग्री रखेंगे, 4 पुष्प रखेंगे, फिर 4 पुष्प के बीच का जो जगह है उसके सामने जो है हम एक एक पान का पत्ता रखेंगे, फिर जो 3 पान के पत्ते के बीच में जो गैप है उसमें 2 सुपारी रखेंगे, और सबसे जो अंतिम छोर है उस पर एक चांदी का सिक्का रखेंगे। ये जब पूरा बन जाएगा तो ये एक ट्रायंगल का स्वरूप ले लेगा, जिसमें सबसे बाहरी जो सबसे पहली पंक्ति है वो कलश का होगा, दूसरी पंक्ति दीपक का, तीसरी पंक्ति जो है वो नारियल, चौथी पंक्ति जो है वो फल, पांचवी पंक्ति मिष्ठान, छठी पंक्ति जो है फूल, सातवां जो है पान का पत्ता, आठवां सुपारी, और अंत में जो है वो चांदी का सिक्का आएगा। एक चीज और, जितने बार आप किसी भी वस्तु की स्थापना करेंगे, जैसे कलश रखा तो रिंग, बीज मंत्र क्या है? रिंग, भगवती का, तो रिंग बोल करके उसको रखेंगे। सबको स्थापित कर लिया, आपका यंत्र तैयार हो गया। अब इसके अलावा 5 पूजा का जो तैयारी है, मतलब धूप, दीप, नवेद, गंध और जो फल फूल मिठाई जो आपको चढ़ाना है, तो भगवती का पूजन जो है इस पूरे यंत्र पे जो चांदी का सिक्का रखा हुआ उस पे करेंगे, ठीक है? तो उसके उसको दीपक दिखा करके रख दिया अलग से, ठीक है? ये जो दीपक है, जो पहले आपने 8 दीपक रखा उसके अलावा एक दीपक होगा, ठीक है? और आप अपने दाहिने साइड में इस दीपक को, उस सिक्के को दिखा के रखेंगे, फिर उसी सिक्के पर धूप दिखाएंगे, ठीक है? फिर रक्त चंदन थोड़ा उस पर छिड़केंगे, एक पुष्प चढ़ाएंगे, और जो भी नवेद आपको लगाना है वो नवेद आप वहां पर लगा देंगे, ठीक है? वो जो सिक्का है उसके ऊपर की सामग्री को रोज हटा लेना है, और उसको किसी एक जगह पर आप एकत्रित करेंगे 9 दिन तक। जो भी सामग्री यहाँ से उठेगी अगले 9 दिन तक, सिवाय वो जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, वो सब एक जगह इकट्ठा करके आप रखेंगे, किसी का भी भक्षण नहीं करना है। पंच पूजा होने के बाद 5 माला जो मूल मंत्र है उसका जाप होगा। क्या मंत्र है? मंत्र है ह्रिंग घोर चंडी महाचंडी चंड मुंड विखंडनी फट स्वाहा। दूसरी बार मंत्र को सुनिए। ह्रिंग घोर चंडी महाचंडी चंड मुंड विखंडनी फट स्वाहा। अंतिम बार सुनिए मंत्र को। ह्रिंग घोर चंडी महाचंडी चंड मुंड विखंडनी फट स्वाहा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 9 दिन में भगवती अपने होने का आभास एक बार जरूर देगी आपको, उस समय डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे साधकों को डर लगता है, लेकिन गुरु पर विश्वास करके डरना नहीं चाहिए। भगवती किसी न किसी रूप में आपको, जितने देर में आप जाप करेंगे, वो जरूर दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आप 5 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक तय संख्या 11 माला 21 माला भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जब 9 दिन पूरा हो जाएगा तो 10वें दिन जो कलश है और जो दीपक है और जो नारियल है और जो चांदी का सिक्का है, इतना सामग्री रहेगा, उसके बीच में आप हवन कुंड स्थापित करेंगे, ठीक है? आपको हवन कुंड ऐसे स्थापित करना है कि नीचे जो कपड़ा है उसमें आग ना लगे, ठीक? और उसके बाद जो हवन संविधा आती है, जो हवन सामग्री आता है, आम का लकड़ी ले लेंगे, और हवन संविधा से उसमें 5 प्रकार के फूल सबको सुखा करके, उनकी पंखुड़ियों को मिला करके, ठीक है, घी मिला करके, मधु मिला करके, और उसके बाद 5 माला 11 माला जितना भी आपने जाप किया है उसका दशांश जो है
आप हवन करेंगे, मतलब 9 दिन में मान के चलिए आपने हर रोज 5 माला किया है, तो 5 माला आप जो है उसका दशांश जो है हवन करेंगे। हवन करने के बाद जितनी सामग्री है सबको आपको एक बोरे में भरना है, नदी या तालाब में जाके इसको विसर्जित कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो आप रोज़ फल चढ़ा रहे हैं, जो आप रोज़ फूल चढ़ा रहे हैं, उसमें किसी का भी उपयोग या भक्षण नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जो आप चांदी के सिक्का के सामने जो नवेद अलग से चढ़ाएंगे उसका ही भक्षण कीजिएगा, बाकी सबको आप जो है नदी में जा करके तालाब में जा करके सारी सामग्री को एक साथ विसर्जन कर दीजिएगा, और एक ही दिन कीजिएगा, रोज रोज विसर्जन नहीं करना है। इस साधना को पूर्ण कीजिए, इस साधना के बाद आपको भगवती का आभास आपके जीवन में हमेशा रहेगा। ये बहुत तीव्र साधना है और बहुत सोच समझ करके इसकी साधना कीजिएगा, भगवती की शक्ति अगर संभाल सके तभी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, माँ भगवती चामुंडा आप सभी को रक्षा दे और रांची वाले भैरव आप सभी को धन्य धन से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।